डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की बिहेव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर 11 इफ आई वर यू की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है डगलस जेम्स ने, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यह इस चैप्टर के टाइटल का मीनिंग है। और जहां भी आई के साथ वाज की बजाय वर यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि जो स्पीकर है उसकी कुछ विश है, डिजायर है, वह कुछ चाहता है जो कि संभव नहीं है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो ये देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला सेक्शन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें हम जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं। जैसे ही हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें आपके बुक में आप देखेंगे लिखा है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इस चैप्टर को पढ़ें आप इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस के आंसर दीजिए समझकर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जिरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जिरार्ड जो है अकेले एक कॉटेज में रहता है। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल, एक घुसपैठिया जो कि क्रिमिनल है, अपराधी है, एंटर्स हिज कॉटेज, वह उसके कॉटेज में, उसके घर में घुसता है। He intends to murder Gerard. वह Gerard का मर्डर करने के इंटेंशन यानी इरादे से आता है। And take on his identity. और उसकी पहचान को, उसकी वेशभूषा को, टोन को स्वीकार करना चाहता है, अपना लेना चाहता है। Does he succeed? क्या वह सफल होता है? So the answer is no. He does not succeed. वह ऐसा कर पाने में सफल नहीं होता है। Gerard was a wise man. क्योंकि जिरार्ड भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था एंड अंडरस्टैंड्स हिज इंटेंशन, और उसका इरादा वो भांप जाता है। सो ही मैनेजेस टू लॉक हिम इन द कवर्ड एंड कॉल्स द पुलिस, इसलिए वह किसी प्रकार से उसको एक कवर्ड में अंदर करने में सफल होता है और उसके बाद पुलिस को कॉल कर देता है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑकर इन द प्ले। आप नीचे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस देखेंगे जो कि इस प्ले में, इस नाटक में आए हैं। Do you know their meanings? क्या आप इनकी मीनिंग जानते हैं? Match them with the meanings given. आपके पास जो इसकी मीनिंग्स दी गई हैं, इन शब्दों को, इन वर्ड्स की, उनको मैच करिए। To find out, चलिए ढूंढते हैं। Look at the answer here. आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस दिए हैं, एक टेबल दी हुई है, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ आप उसके आंसर्स देख सकते हैं। So the first one is cultured. कल्चर्ड मीन्स, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है सोफिस्टिकेटेड या वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड मीन्स जिसका व्यवहार ठीक हो। द सेकंड वन इज काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, किसी पर निर्भर होना, डिपेंड होना। द थर्ड वन इज एंगेज्ड। एंगेज्ड मीन्स ऑक्यूपाइड, बिजी, किसी काम में व्यस्त होना। मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक मीन्स एग्जैगरेटेड होता है। एग्जैगरेटेड मीन्स होता है सनसनीखेज या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। नेक्स्ट है टू बी स्मार्ट। टू बी स्मार्ट मीन्स, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर, एक अनौपचारिक तरीका है ये कहने का कि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा चतुर बन रहा है। नेक्स्ट वन इज इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन मीन्स होता है अ टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है उसे इनफ्लेक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज वाइज गाय। वाइज गाय अमेरिकन इंग्लिश का ही ये वर्ड है, इसका मतलब है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ जानने का दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है। द नेक्स्ट वन अडेंडिवस, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर अ फैशनेबल व्हीकल, यह एक सजे धजे चमकीले वाहन को व्यक्त करने का एक अनौपचारिक तरीका है। फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल स्पीकिंग में इसको यूज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन है ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल मीन्स मर्चेंट्स, व्यापारी जो व्यापार करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस मीन्स होता है अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल, एक ऐसी चीज जो आवश्यक नहीं थी और अक्सर उस पर खतरे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डज। डज, डज मीन्स अवॉइड, किसी से बचना। लकी ब्रेक। लकी ब्रेक एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, सफलता का एक अप्रत्याशित अवसर जो है उसे लकी ब्रेक कहते हैं। संडे स्कूल टीचर, इसकी मीनिंग है अ क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च। चर्च में छुट्टी के दिनों में जो धार्मिक शिक्षक होता है
वो पढ़ाता है क्रिश्चियन रिलीजन में, उसे संडे स्कूल टीचर कहते हैं। और लास्ट वन इज फ्रेम। फ्रेम मीन्स ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है किसी के जाल में फंस जाना। नाउ कम ऑन टू द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। द सेक्शन इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इट मीन्स इन दिस सेक्शन वी विल लर्न सम आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन इट। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, आंसर दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ये एक फ्रेज दिया है जो कि इस ड्रामा में, इस नाटक में आया है। अब इसमें पूछता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज दिस, मतलब इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को किसने कहा है। लुक एट द आंसर, जिरार्ड सेज दिस, मींस दिस फ्रेज वाज यूज्ड बाय द जिरार्ड इन द ड्रामा। द नेक्स्ट वन, व्हाई डज ही से इट, वह ऐसा क्यों कहता है। लुक एट द आंसर, He says it because the intruder asked Gerard to speak about himself. वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस intruder यानी उस घुसपैठिए ने Gerard को अपने बारे में बताने के लिए कम से कम कह तो दिया था। The third one, is he sarcastic or serious? Sarcastic means होता है किसी भी व्यंग, किसी के ऊपर व्यंग करना, व्यंगात्मक तरीके से किसी बात को कहना, बहुत गंभीरता से नहीं। तो क्वेश्चन है, इज ही सार्केस्टिक और सीरियस, वह बात व्यंगात्मक तरीके से कर रहा था या वो गंभीर भी था अपनी बातों में। द आंसर इज ही इज सार्केस्टिक, वह ऐसा व्यंग के रूप में कहा था ना कि गंभीर होकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जिरार्ड एज द मैन हूज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। इंट्रूडर जिरार्ड की पहचान को धारण क्यों करना चाहता था। जिरार्ड की जो आइडेंटिटी है, जिरार्ड आगे हम देखेंगे कि वह एक प्ले राइट है जो कि नाटक में काम करता था लिखने का, तो वो घुसपैठिया उसकी पहचान को टेक ओवर, टेक ऑन क्यों करना चाहता था। आंसर देखिए, द इंट्रूडर चूजेस टू टेक ऑन द आइडेंटिटी ऑफ जिरार्ड, वह जिरार्ड की आइडेंटिटी को इसलिए अपनाना चाहता था बिकॉज ही हैज कमिटेड अ मर्डर, देयरफॉर ही प्लान्स टू स्टील जिरार्ड्स आइडेंटिटी टू डिस्गाइज पुलिस, क्योंकि वह पहले ही किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर चुका था और पुलिस की नजरों से छुपने के लिए, उनको धोखा देने के लिए जिरार्ड की आइडेंटिटी को, जिरार्ड की पहचान को वह स्वीकार कर लेना चाहता था, अपनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई शेड इट विथ बुलेट्स, ये भी एक सेंटेंस है जो कि इस चैप्टर में, ड्रामा में किसी के द्वारा कहा गया है। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस इज द फर्स्ट वन, Who says this? इस चीज को किसने कहा है? The answer is Gerard says this. इस चीज को Gerard ने कहा है कि मैं बुलेट से बात करता था। Question number second, What does it mean? इसका मतलब क्या है? I जो आपने यहाँ देखा, I said it with bullet. मैं इस चीज को बंदूक की गोली से कहता था। इसका मतलब क्या है? Answer देखिए, It means he had to kill someone when something went wrong with him. उसका मतलब यह है कि वह, उसको भी एक व्यक्ति को मारना पड़ा था जब वह, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट द ट्रुथ, क्या यह सत्य था। व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, और स्पीकर के पास ऐसा कहने का क्या कारण है। लुक एट द आंसर, नो इट इज नॉट द ट्रुथ, यह सत्य नहीं था। He wanted to divert the intruder's mind from killing him. वह तो मात्र उस घुसपैठिए के दिमाग से जिरार्ड को मार देने का जो इरादा था उसको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता था, दूसरी तरफ हटाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज जिरार्ड्स प्रोफेशन, आपने इस ड्रामा को पढ़ा है, आपके अनुसार जिरार्ड का प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, काम क्या करता था। कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, आप अपने आंसर के सपोर्ट में इस चैप्टर में, इस ड्रामा में आए हुए, इस प्ले में आए हुए उन पार्ट्स को कोट कर सकते हैं जिनसे आपको उसके प्रोफेशन को बताने में मदद मिल रही है। आंसर देखिए, जिरार्ड वाज अ प्ले राइट बाय प्रोफेशन, जिरार्ड जो है वह प्ले लिखता था, नाटक लिखता था, उसके डायलॉग्स लिखता था। द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्ले इंडिकेट दिस, नीचे आप कुछ इस प्ले में आए हुए सेंटेंसेस देखेंगे जिनसे ये पता चलता है कि वह निश्चित रूप से प्ले में, ड्रामा में उसके डायलॉग्स लिखा करता था। द फर्स्ट वन, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल, कहता है कि यह तो बहुत ही तुम ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है।
दूसरा है सॉरी आई कैन नॉट रेडी यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं तुम्हें अपनी चीजों को रिहर्सल के समय ले जाने नहीं दे सकता। प्रॉप्स मीन्स होता है किसी नाटक मंडली में जो चीजें यूज की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं। तीसरा, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फूलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग, वो कहता है कि अधिकतर जो मेलोड्रामास होते हैं जिसमें फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाकर व्यक्त किया जाता है, स्ट्रांग फीलिंग्स शो की जाती हैं इन नाटकों में, उसमें विलेन अक्सर किसी को मारने में डिले करता है। तो इन चीजों से पता चलता है कि वह निश्चित रूप से डायलॉग्स लिखता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना छोड़ दोगे, ये हु सेज दिस, इस राइम को किसने कहा है? आंसर इज द इंट्रूडर सेज दिस, इस राइम को उस इंट्रूडर घुसपैठिए ने कहा था। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज दिस स्पीकर से इट, ऐसा स्पीकर क्यों बोला है? आंसर, द स्पीकर सेज इट टू फ्राइटन जेरार्ड बिकॉज ही हैजंट फेल्ट एनी फियर, स्पीकर जो है वह जेरार्ड को भ्रमित डराने के लिए ऐसा बोला था क्योंकि जेरार्ड अभी तक उससे डर नहीं रहा था, उसको डर महसूस नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, जेरार्ड को ज्यादा स्मार्ट होशियार बनने से कौन रोक सकता है, ऐसा स्पीकर का क्या कहना था? स्पीकर ने ऐसी कौन सी चीज कही है जिससे स्पीकर जेरार्ड को ज्यादा स्मार्ट होने से रोका जा सकता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट फ्रॉम हिज गन वुड स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, वह इंट्रूडर कहता है कि मेरी गन की जो बुलेट है वही अब तुमको होशियारी ज्यादा होशियार बनने से रोकेगी, मतलब वो कहता है कि मैं तुमको मार दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, वह मुझे दो बार तो नहीं लटका सकते फांसी में, हु सेज दिस, इस चीज को किसने कहा है? द इंट्रूडर सेज दिस, इस लाइन को भी उस घुसपैठिए ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन, Why does the speaker say it? Speaker इस चीज को क्यों कहता है? Answer, He says it because he has already killed someone previously and if he would kill Gerard, police could not hang him twice for two murders. वह intruder, वह घुसपैठिया जो अनाधिकृत रूप से Gerard के कमरे में घुस आया था, वो कहता है कि वह पहले ही एक व्यक्ति का मर्डर कर चुका है और अगर वह Gerard को भी मार देता है तो पुलिस उसको दो मर्डर के लिए दो बार तो नहीं फांसी देगी, एक ही बार देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वह रहस्य जिसको मैं उसको बताने का प्रस्ताव देता हूं, व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन, ऐसा कौन सा रहस्य था जिसको स्पीकर बताना चाहता था? लुक एट द आंसर, द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन दैट ही हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल, दैट्स व्हाई ही अवॉइड्स मीटिंग मेनी पीपल, स्पीकर यह बताने का प्रपोजल देता है, प्रस्ताव देता है कि वह स्वयं एक क्रिमिनल है और इसी वजह से वह बहुत सारे लोगों से मीटिंग अवॉइड करता है, वह लोगों से मिलता जुलता नहीं है। दिस इज द मिस्ट्री, यही एक रहस्य है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह आपका बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, इस आपके चैप्टर में इस चीज को कहां कहा गया है? Look at the answer. This has been said twice in the play. यह चीज इस नाटक में दो बार कही गई है। Firstly, when the intruder reveals his plan to kill Gerard, पहली बार वो जब intruder घुसपैठिया Gerard को मार देने का प्लान अपना प्रकट करता है। Secondly, by Gerard when he reveals his false identity to the intruder. और दूसरी बार तब जब Gerard अपनी झूठी पहचान उस intruder को बताता है। Question number 2. What is the surprise? Surprise क्या था? Answer, the intruder's surprise is his intention on of killing Gerard. Intruder का surprise ये था कि वह Gerard को kill करने के इरादे से आया था. Gerard's surprise is his false identity. और Gerard की तरफ से जो surprise था वह उसकी झूठी पहचान थी. As he disguises himself as a criminal too. क्योंकि उसने भी अपने आप को अपराधी के रूप में प्रदर्शित किया, उसने ये ऐसा शो किया कि वो भी पहले से ही एक अपराधी है। इस प्रकार से आपके टेक्स्चुअल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू द सेकंड सेक्शन, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। इन दिस सेक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप एक डिक्शनरी यूज करिए और उसमें से जो इसमें शब्द दिए गए हैं उनकी मीनिंग्स ढूंढिए कि यहां क्या हो सकती है।
So the first question is, the sight and sight of the accident was ghastly or ghostly. अब यहाँ आपके पास दो choices हैं और आपको इसमें से एक का चुनाव करना है. You have to choose one between the two. The first one, the sight or the sight. Here the correct answer is sight. S-I-T. Sight means वो जगह. और ये sight का मतलब होता है किसी चीज को कहीं से reference लेकर बताना. तो यहां हम जगह की बात कर रहे हैं. द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज गास्ट्री. गास्ट्री मीन्स होता है अनप्लीजेंट और वेरी बैड. तो यहां कहता है कि जो दुर्घटना वाली जगह थी वो बहुत ही खराब थी, डरावनी थी. द सेकंड वन, अवर कॉलेज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट. आप यहां देख सकते हैं जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसमें पी आर आई एन सी आई पी ए एल होता है. ये एक नाउन है और एक पर्सन है. और ये जो प्रिंसिपल है ये थियरी सिद्धांतों के लिए यूज होता है. तो यहाँ अवर कॉलेज प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर. द थर्ड वन, आई स्टडी इट कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअली फॉर 8 hours. मैं लगातार 8 घंटे पढ़ाई किया. तो यहाँ अब आपको चूज करना है कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअली. मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअसली का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक और कंटिन्यूअली का मतलब होता है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बीच बीच में रेस्ट लेकर उस काम को लगातार किए जा रहे हैं. तो यहाँ आपका सही आंसर कंटिन्यूअसली है. ये द नेक्स्ट वन, द फॉग हैड एन एडवर्स अफेक्ट आर इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक. तो यहाँ इफेक्ट है क्योंकि जो अफेक्ट है वो वर्ब के रूप में आता है और इफेक्ट जनरली नाउन के रूप में आता है. क्योंकि एडवर्स जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए कोई नाउन चाहिए जिसको क्वालिफाई कर सके. तो यहां बना द फॉग हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक. ट्रैफिक पर जो है उसका फॉग का धुएं का प्रभाव है वो एडवर्स है, बहुत बुरा है, विपरीत है. तब नेक्स्ट, सेजान द फेमस फ्रेंच पेंटर वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट. अब यहाँ आपको बता दें इनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन आर्टिस्ट का मतलब होता है एक अच्छा पेंटर जो पेंटिंग बनाता है. और इस आर्टिस्ट का मतलब होता है वेदर इट इज अ सिंगर डांसर और एनी अ मास्टर इन एनी टाइप ऑफ आर्ट. तो यहाँ ऑलरेडी बताया गया है कि ये पेंटर है इसलिए उसके लिए आर्टिस्ट आएगा, ये आर्टिस्ट. उसके बाद सिक्स्थ, The book that you gave me yesterday is an extraordinary collage or collage of science fiction and mystery. आपने जो कल मुझे किताब दी थी वह एक बहुत ही extraordinary book है जिसमें science fiction और mystery दोनों चीजें हैं. अब यहाँ बता दें कॉलेज तो एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक जगह होती है, लेकिन कोलाज जो है वैसे सामान्य इसकी मीनिंग है कि कोई एक ऐसी पिक्चर्स है जिसमें कई सारी चीजों को कई पिक्चर्स को कंबाइन करके बनाया गया है. अब वो पिक्चर भी हो सकती है और सॉन्ग्स वगैरह भी हो सकते हैं. तो यहाँ कहा गया है कि आपकी बुक में साइंस फिक्शन और मिस्ट्री दोनों का एक बढ़िया सा सामंजस्य है. तो कोलाज इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन, अवर स्कूल विल होस्ट आवर फर्स्ट एन एग्जीबिशन ऑन क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. हमारी स्कूल जो है पशुओं के प्रति निर्दयता और वन्य जीव संरक्षण की एक प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है. तो यहाँ अब क्या होगा, होस्ट होगा या होस्ट होगा. होस्ट होता है किसी इवेंट को होस्ट करना, किसी इवेंट को हेल्ड करना, और होस्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, किस रेज करना. तो यहाँ आयोजन है इसलिए होस्ट H-O-S-T इज द राइट आंसर. द एट्थ वन, स्क्रू द लिड टाइटली. जो इसकी लिड है, ढक्कन है, इसको अच्छे से कड़ा करके बंद कर दीजिए. ऑन टू द टॉप ऑफ द बॉटल, बॉटल के ऊपर. एंड शेक और शेप वेल बिफोर यूजिंग द कंटेंट. और इस कंटेंट को यूज करने के पहले इसको क्या करिए, शेक करिए या शेप करिए. तो आप जानते हैं शेक मीन्स होता है हिलाना और शेप तो आकार होता है. तो इसलिए बॉटल में से कुछ कंटेंट को पीने के लिए हम अक्सर उसको शेक करते हैं. इस प्रकार से लैंग्वेज सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है. द सेकंड वन इज, आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग बट मीन अनदर. आयरनी का मतलब होता है जब हम कहते कुछ हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है. यूजुअली द अपोजिट ऑफ व्हाट वी से, अक्सर
उसकी अपोजिट मीनिंग उल्टा अर्थ होता है। When someone makes a mistake and you say, यदि कोई गलती करता है और आप कहते हैं ओह दैट वाज क्लेवर, तो बहुत चतुर था, तो आप कहने का मतलब यह है कि वो बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया। दैट इज आयरनी, यही आयरनी है। आयरनी को हिंदी में विडंबना भी कह सकते हैं। यू आर सेइंग क्लेवर टू मीन नॉट क्लेवर, आप यहां उस व्यक्ति को क्लेवर कह रहे हैं जबकि आपका मतलब है नॉट क्लेवर। एक्सप्रेशंस वी ऑफन यूज इन एन आयरनिक फैशन आर, अक्सर हम जिन चीजों को आयरनी के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब हम कहते कुछ हैं उनकी मीनिंग कुछ होती है, वह कुछ इस प्रकार से हैं, ओह वाजंट दैट क्लेवर, कुछ ज्यादा ही चतुर नहीं था, इसका मतलब कि उसका नेगेटिव मीनिंग है, ओह दैट वाज क्लेवर। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प आई मस्ट से, यू हैव गॉट योरसेल्फ इनटू अ लवली मेस हैवंट यू, ओह वेरी फनी हाउ फनी, दीज आर द थिंग्स रिटन इन योर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन इन द चैप्टर। वी यूज अ स्लाइटली डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स आयरनिकली, जब हम इन चीजों को आयरनिकली की बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज को थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है। रीड द प्ले केयरफुली एंड फाइंड द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जिरार्ड यूजेस इन एन आयरनिक वे, आप इस चैप्टर को पढ़िए और उसमें ऐसे एक्सप्रेशन को ढूंढिए जिनको आयरनिक रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा कुछ गया है जबकि उसके पीछे का इंटेंशन कुछ और था। देन से व्हाट दीज एक्सप्रेशन रियली मीन, और उसके बाद ये बताइए कि इनका वास्तव में क्या मीनिंग है। आप देखेंगे आपके चैप्टर में दो पहले से ही लिखे हुए हैं, आपको तीन अपने से लिखना है, सो यहाँ आपको हम तीन इस चैप्टर से एक्सप्रेशन लेकर बता रहे हैं। आप एक जगह इस चैप्टर में देखेंगे लिखा है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, इसका मीनिंग क्या है। जेरार्ड मींस दैट हिज कंपनी इज नॉट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, इसका मतलब यह है कि जेरार्ड को उस इंट्रूडर की कंपनी सिंपैथेटिक नहीं लगती है, बिकॉज द इंट्रूडर हैज गॉट अ गन इन हिज हैंड, है ना, क्योंकि इंट्रूडर के हाथ में गन थी। दूसरा, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप तो बड़े ही नरम दिल वाले निकले, जबकि वो कहना यह चाहता है कि आप तो बड़े ही कठोर हैं। जेरार्ड मींस दैट द इंट्रूडर हैज बीन इमोडेस्ट इन नॉट हैविंग टोल्ड एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, वह उसको वास्तव में विनम्र नहीं कहना चाहता क्योंकि वह अपने बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं बताया है। विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अनअंडरस्टैंडेबल, इसका मीनिंग है जॉर्ड मींस दैट इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल हाउ एनी थिंक अबाउट हिम इज सरप्राइज, वह कहता है कि यह समझ से परे है कि उसमें क्या ऐसा है जो सरप्राइजिंग है। उसके बाद डिक्शनरी यूजेस का एक सेक्शन है, इसमें देखिए अ वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, कई बार एक शब्द का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मीनिंग होती है। लुक एट दीज थ्री सेंटेंसेस, आप यहाँ नीचे तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको देखिए। द स्टूडेंट्स आर टॉट टू रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, यहाँ बताया गया है कि स्टूडेंट्स को विभिन्न संस्कृतियों का आदर करने का सिखाया जाता है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल शो, स्कूल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। और तीसरा, हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी वॉइस जो है वो सभ्य सुसंस्कृत है। यहाँ आप देखेंगे कल्चर, कल्चरल एंड कल्चर्ड तीन बार आया है जो एक ही शब्द कल्चर से बने हैं, लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग है। इन द फर्स्ट सेंटेंस कल्चर जो कि नाउन है मीन्स वे ऑफ लाइफ, यहाँ कल्चर का मतलब है जीवन जीने के लोगों के तरीके। इन द सेकंड कल्चरल इज एन एडजेक्टिव मींस कनेक्टेड विद आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक, यहाँ कल्चर का मतलब ऐसी चीज जो कि कला साहित्य और संगीत से संबंधित हो। एंड इन द थर्ड कल्चर्ड वर्ब मींस सोफिस्टिकेटेड, और तीसरे में कल्चर्ड जो वर्ड आया है उसका मतलब है परिष्कृत या अच्छी तरह से बात का लहजा होना। यूजुअली आर डिक्शनरी हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द राइट मीनिंग बाई गिविंग यू साइन पोस्ट, अक्सर एक डिक्शनरी आपको किसी शब्द की सही मीनिंग पता करने में मदद करती है। लुक अप द डिक्शनरी एंट्रीज फॉर द वर्ड्स सिंपैथी फैमिलियरिटी कंफर्ट केयर एंड सरप्राइज, इन वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देखिए। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में दी गई इंफॉर्मेशन को आप यूज करिए। एंड कंप्लीट द टेबल, और उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करिए। तो यहाँ आप देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब और मीनिंग टॉप में लिखा हुआ है, और इधर आपके सारे नाउन्स दिए हैं सिंपैथी फैमिलियरिटी कंफर्ट केयर एंड सरप्राइज, ये सभी के सभी नाउन हैं, और इधर के आपके ब्लैंक
स्पेसेस है, आपको इसमें भरना है। तो अगर आप सिंपैथी वर्ड्स आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको उस वर्ड से रिलेटेड एडजेक्टिव सिंपैथेटिक मिलेगा, एडवर्ब सिंपैथेटिकली मिलेगा, वर्ब सिंपैथेटाइज मिलेगा, और इनकी मीनिंग फीलिंग पिटी फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, यह इसकी मीनिंग है। उसके बाद दूसरे में आते हैं फैमिलियरिटी का, एडजेक्टिव फैमिलियर है, एडवर्ब फैमिलियरली है, वर्ब फैमिलियराइज है, और उसकी मीनिंग है टू नो अबाउट थिंग्स, किसी चीज के बारे में जान पहचान होना, उससे परिचित होना। तीसरा कंफर्ट, कंफर्ट का एडजेक्टिव कंफर्टेबल, एडवर्ब कंफर्टेबली एंड वर्ब कंफर्ट, और इसकी मीनिंग है स्टेट बीइंग फ्री फ्रॉम सफरिंग, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको कोई दुख कष्ट ना हो, उसे कंफर्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज केयर, केयर का एडजेक्टिव केयरिंग, एडवर्ब केयरफुली एंड वर्ब आल्सो केयर, और इसकी मीनिंग होती है कंसर्न, किसी के प्रति चिंतित होना, किसी का ख्याल रखना। एंड द लास्ट वन सरप्राइज, सरप्राइज नाउन है और इसका वर्ब भी सरप्राइज ही होता है, इसका एडजेक्टिव है सरप्राइजिंग और एडवर्ब है सरप्राइजिंगली, और इसकी मीनिंग है अमेज, यानी अचंभित रह जाना, चकित रह जाना, अचरज में पड़ जाना। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन इसमें आपको स्वयं करना है। हम इसके आगे के वीडियोज के साथ, जो आपकी मोमेंट्स है उसके चैप्टर की वीडियोज के साथ, और कुछ ग्रामर सेक्शन के वीडियोज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।